Hello friends, today we are going to do some vocabulary of shopping malls. So let's start. First hai a steal means if cost of something is much less than it is really worth. यानी अगर किसी चीज़ की लागत उसकी वास्तविक कीमत से कम हो वहाँ पर हम ए स्टील का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है रिप अप, समथिंग दैट कॉस्ट अ लॉट मोर देन इट शुड मीन्स उचित मूल्य से अधिक मूल्य वाली महंगी वस्तु. यानी किसी चीज़ को खरीदते हुए आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है. नेक्स्ट है क्यू अप और लाइन अप मीन्स वेट फॉर समथिंग इन अ लाइन. एक पंक्ति में किसी काम या चीज़ के लिए इंतज़ार करना. नेक्स्ट है कार्ट मीन्स ट्रॉली. नेक्स्ट है हाई स्ट्रीट नेम मीन्स अ फेमस शॉप यानी कोई जानी मानी दुकान. नेक्स्ट है ओवर प्राइस मीन्स चार्ज टू हाई अ प्राइस फॉर समथिंग यानी किसी चीज़ के लिए बहुत अधिक कीमत वसूलना. नेक्स्ट है फिटिंग रूम, अ रूम इन अ शॉप और मॉल इन विच One can try on clothes before deciding whether to purchase them. Means दुकान या मॉल में एक कमरा जिसमें कोई भी कपड़े खरीदने से पहले उसे पहनकर देखता है. You can say fitting room, changing room or trial room if you are in a shop. But if you are at the gym, you will say changing room. अगर आप जिम में हैं तो आप वहाँ केवल चेंजिंग रूम का यूज़ करेंगे, वहाँ पर फिटिंग रूम का यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट है पॉप इनटू मींस टू विजिट ब्रीफली इनटू अ प्लेस फॉर सम पर्पस और वर्क. यानी किसी उद्देश्य या काम के लिए थोड़ी देर के लिए किसी स्थान पर जाना. नेक्स्ट है आयल, एन आयल इज अ स्पेस फॉर वॉकिंग विद रोज, इट हैज सेल्विंग टू आइदर साइड. गलियारा जिसकी दोनों तरफ अलमारियों में सामान रखे हो. नेक्स्ट है पिक आउट समथिंग मीन्स टू चूज और सेलेक्ट यानी किसी चीज को चुनना. एग्जाम्पल है कुड यू प्लीज हेल्प टू पिक आउट अ ड्रेस फॉर मी. क्या आप मेरे लिए एक ड्रेस लेने में मदद कर सकते हैं. नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ सेल मीन्स द प्लेस वेयर अ प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड टू द पब्लिक मीन्स वह जगह जहाँ कोई प्रोडक्ट लोगों को बेची जाती है. प्रोडक्ट उन वस्तुओं को कहते हैं जो कारखानों में बनती हैं. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन बूथ मीन्स अ बूथ एट विच जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस और इवेंट इज प्रोवाइडेड मीन्स एक बूथ जिस पर किसी स्थान या कार्यक्रम के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान की जाती है. नेक्स्ट है लेबल, ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर फैब्रिक मेटल एट्सेट्रा पेस्टेड ऑन अ प्रोडक्ट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट मीन्स प्रोडक्ट पर चिपका एक पेपर कपड़े या धातु का टुकड़ा जो उस उत्पाद के बारे में जानकारी देता है. नेक्स्ट है ड्यूरेबल मिल्क, मिल्क which can be used for long periods of time means दूध जिसका इस्तेमाल हम लंबे समय तक कर सकते हैं जैसे दूध का डिब्बा.
नेक्स्ट है सुपरमार्केट और स्टोर शॉप और डिपार्टमेंटल शॉप. इन दिस टाइप ऑफ शॉप द गुड्स आर कैप्ट इन द सेफ एंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज रिटन ऑन दैट आइटम. मीन्स इस तरह की दुकानों में सामान को अलमारियों में रखा जाता है और उस वस्तु पर सामान का मूल्य लिखा जाता है. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.